पास कोई नहीं था और हिंदुस्तान के सारे दलायल जो है वो रद्द कर दिए गए और फिर जो रेजोल्यूशन पास हुई एक नहीं हुई 23 या इससे ज्यादा रेजोल्यूशन है सिक्योरिटी काउंसिल में और उन सारी रेजोल्यूशन में कैफियत ये है कि जितने सिक्योरिटी काउंसिल के अरकान थे उन सबकी मर्जी से वो रेजोल्यूशन पास हुई। पाकिस्तान ने भी उसके ऊपर दस्तखत दिए और हिंदुस्तान ने भी हर रेजोल्यूशन इसी रेजोल्यूशन के ऊपर इख्तलाफ नहीं हुआ बहुत फिक्र रेजोल्यूशन बाल दफा एक दो मुल्कों ने कहीं उसके एब्सटेंशन की वोट नहीं दिया ना इधर ना उधर लेकिन मुखालफत किसी ने नहीं ये इतना बड़ा असासा है लोग कह रहे हैं जी रेजोल्यूशन से क्या होता है आज तक नहीं हुआ तो रेजोल्यूशन पर भी बैठे रहे। मैं ये समझता हूं कि ये कमजोरी है हालात में तब्दीली है जिसकी वजह से आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है लेकिन वो बुनियाद जो आपके हाथ में है उसे किसी सूरत में नहीं छोड़ना चाहिए। वो एक ऐसा बेस है जो किसी हिंदुस्तान की सारी कोशिशों के बावजूद हो नहीं है आप सब किसी को और इस वक्त भी हिंदुस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी यही लिखा है कि उसका स्टेटस एक डिस्ट्रीब्यूटेड स्टेट है। मैंने खुद वीडियो देखी है 1990 में मैंने नुमाइंदगी की थी पाकिस्तान की यूएनओ के अंदर और वहां मैंने एक वीडियो देखी है कि वो राजीव गांधी अपने वहां मौजूदगी के बाद जब वापस हिंदुस्तान जाने लगे तो उससे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उनसे सवाल किया गया यूएनओ बिल्डिंग के अंदर बैठे हुए उनसे सवाल किया गया कि आपके नाना जवाहरलाल नेहरू ने तो रेजोल्यूशन को तस्लीम किया था क्या आप उससे मुनकर होंगे। उसने जवाब दिया नहीं कुछ चीजें पाकिस्तान ने करनी है कुछ चीजें हमने करनी है उसमें पेशरफ्त नहीं हो सकी वरना हम उसका अपना हिस्सा नहीं।